अमरकंटक में माँ नर्मदा के उद्गम स्थल से कुछ ही दूरी पर पुरातात्विक महत्व के अनेक मंदिर स्थित हैं। ये समस्त मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भोपाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। परिसर में प्रवेश करने हेतु ₹25 शुल्क रखा गया है। परिसर में प्रवेश करने पर एक अत्यंत सुंदर उद्यान के मध्य ये मंदिर स्थित हैं। स्थान स्थान पर शिला पटलों पर मंदिर से संबंधित विविध तथ्य एवं सूचनाएं अंकित हैं। इन मंदिरों में कर्ण मंदिर, पंचमठा मंदिर, श्री विष्णु मंदिर, पातालेश्वर महादेव मंदिर इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण मंदिर स्थित हैं। इनमें से अधिकांश मंदिर कलचुरी काल में निर्मित हैं और कुछ मंदिर परवर्ती काल के हैं। हमारे समक्ष यह जो मंदिर दिखाई दे रहा है इसे पंचमठा मंदिर कहते हैं। यह 15वीं 16वीं शताब्दी में निर्मित है। पंचमठा मंदिर के पश्च भाग में जो कुंड हमें दिखाई दे रहा है इसे सूर्य कुंड कहा जाता है। हम देखेंगे एक शिव मंदिर जो मत्स्येंद्रनाथ मंदिर के नाम से भी विख्यात है। यह मंदिर 11वीं 12वीं शताब्दी में निर्मित है। इस मंदिर में मंडप, अंतराल एवं गर्भगृह सम्मिलित हैं। मंडप का शिखर नष्ट हो गया है जबकि गर्भगृह का शिखर भाग सुरक्षित है। यह मंदिर केशव नारायण मंदिर के निकट ही स्थित है और नागर शैली में निर्मित है। मंदिर के मंडप का छत 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। गर्भगृह की बाह्य भित्ति और शिखर पंचरथ शैली में निर्मित है। इसमें आधार भाग, जंघा, शिखर, आमलक एवं कलश स्थित हैं। शुकनासिका वाले भाग पर हम देख रहे हैं सिंह की आकृति। मंदिर के जंघा भाग में भद्ररथ पर दो देवकुलिकाएं निर्मित हैं, परंतु इनमें किसी भी प्रकार की प्रतिमा स्थापित नहीं है। मंदिर का प्रत्येक भाग अत्यंत सुंदर ढंग से अलंकृत है। इसमें मंडप की निचली भित्तियों को भी सुंदर लता व पुष्पों से सुसज्जित किया गया है। गर्भगृह का द्वार प्रायः बंद ही रहता है। इस मंदिर के पार्श्व में ही एक और मंदिर स्थित है जो कि भगवान नारायण जी का मंदिर है। इस मंदिर में एक ही मंडप से संलग्न दो गर्भगृह स्थित हैं। दोनों गर्भगृहों के मुख एक दूसरे के लंबवत हैं। मंडप का शिखर क्रमशः संकीर्ण होते गया है व ऊपर आमलक व कलश स्थित हैं। मंदिर एक ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित है। मंडप में प्रवेश करने हेतु द्वार पूर्व दिशा की ओर निर्मित है, जहां पहुंचने हेतु सोपान भी निर्मित हैं। मंदिर का गर्भगृह पंचरथ शैली में निर्मित है। शिखर के ऊपर आमलक एवं कलश स्थित हैं। मंदिर ऊपर से लेकर नीचे तक अत्यंत अलंकृत है। गर्भगृह के जंघा भाग में तीनों ओर दो दो देवकुलिकाएं निर्मित हैं, परंतु उनमें देव प्रतिमाएं न होकर सुंदर पुष्प अंकित किए गए हैं। इसके अंतराल भाग में भी देवकुलिकाएं निर्मित हैं। इस गर्भगृह के लंबवत जो गर्भगृह स्थित है यह भी पंचरथ शैली का ही है, परंतु इसके जंघा भाग में केवल एक देवकुलिका निर्मित है। इन मंदिरों के समक्ष ही एक और मंदिर स्थित है जिसे जुहिला मंदिर कहा जाता है। मंदिर का नामकरण यहाँ बहने वाली जुहिला नदी के नाम पर किया गया है। ऊंची जगति पर स्थित इस उत्तराभिमुखी मंदिर में केवल गर्भगृह एवं अंतराल ही हैं। यहाँ अंकित सूचना के अनुसार मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ है। मंदिर के गर्भगृह का द्वार प्रायः बंद रहता है। जुहिला मंदिर के पश्च भाग में एक और मंदिर भी स्थित है जिसमें केवल गर्भगृह ही निर्मित है। यह मंदिर पश्चिमाभिमुखी है जबकि जुहिला मंदिर उत्तराभिमुखी है। मत्स्येंद्रनाथ मंदिर एवं केशव नारायण मंदिर की अपेक्षा यह मंदिर कम अलंकृत है।
इस मंदिर के पार्श्व में कुछ ही दूरी पर भगवान पातालेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थित है। यहाँ शिला पटल पर मंदिर से संबंधित तथ्य अंकित किए गए हैं। पातालेश्वर महादेव मंदिर पश्चिमाभिमुखी है तथा इसमें मंडप, अंतराल एवं गर्भगृह सम्मिलित हैं। मंदिर का शिखर पंचरथ शैली में निर्मित है। ऊपर आमलक व कलश स्थित हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है उसे स्वयं गुरु आद्य शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। शिवलिंग फर्श से कुछ नीचे स्थापित होने के कारण इसे पातालेश्वर महादेव मंदिर कहा गया है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कर्णदेव द्वारा करवाया गया था। इन मंदिरों से कुछ ही दूरी पर हमें एक विशेष प्रकार का मंदिर दिखाई देता है जिसे कर्ण मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण भी कलचूरी शासक कर्णदेव ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर की विशेषता यह है कि एक ही जगती पर यहाँ तीन मंदिर निर्मित हैं। तीनों मंदिरों में गर्भगृह एवं अंतराल निर्मित हैं। संभवतः इन तीनों के मध्य एक संयुक्त मंडप निर्माण करने की योजना रही होगी। तीनों गर्भगृहों में से एक गर्भगृह का शिखर नष्ट हो चुका है, जबकि दो गर्भगृह के शिखर सुरक्षित अवस्था में हम देख पा रहे हैं। अन्य मंदिर जहां पंचरथ शैली में निर्मित हैं, वहीं इन मंदिरों के गर्भगृह सप्तरथ शैली में निर्मित हैं। गर्भगृह व शिखर की बाह्य भित्ति को यदि हम नीचे से ऊपर की ओर देखें तो ये सात पट्टियों में विभक्त दिखाई देते हैं। इन्हें ही रथ कहा जाता है। यह गर्भगृह सात पट्टियों में विभक्त है, अतः इसे सप्तरथ प्रकार का मंदिर कहा जाएगा। इनमें मध्य की पट्टी को मध्य रथ अथवा भद्र रथ कहा जाता है एवं कोने की पट्टी को कर्ण रथ कहा जाता है। इन दोनों के मध्य की पट्टियों को अनुरथ एवं प्रतिरथ इत्यादि कहा जाता है। मंदिर के जंघा भाग में भद्र रथ में तीनों ओर तीन तीन देवकुलिकाएं निर्मित हैं। साथ ही अंतराल भाग में भी तीन तीन देवकुलिकाएं निर्मित हैं, परंतु इनमें किसी प्रकार की प्रतिमा स्थापित नहीं है। गर्भगृहों को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने अमरकंटक में स्थित पुरातात्विक महत्व के अनेक मंदिरों का अवलोकन किया। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।